चलिए अब बात करते हैं माइग्रेन होता क्यों। सबसे पहली बात है माइग्रेन होता क्यों और किसको होता है। नॉर्मली जेंट्स में 6 से 7% लोगों को माइग्रेन होता है और कंपैरिजन टू जेंट्स फीमेल में 15 to 20% जो है लेडीज को माइग्रेन का इश्यू आता है। माइग्रेन का बेसिक जो कॉज रूट कॉज जो पहला है जो ज्यादा पेशेंट्स को देखा था 50% माइग्रेन जो है वो आपकी ईटिंग हैबिट से होता है, फूड एलर्जीज होती है नंबर वन। नंबर टू लेडीज में माइग्रेन होने का सेकंड रीजन होता है हार्मोन्स। अब ये आपके लिए अजीब होगा कि सर हार्मोन का और माइग्रेन का क्या लेना देना है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन की जो है बैलेंसिंग नहीं होती पिट्यूटरी ग्लैंड से तब जाके माइग्रेन के इश्यूज आते हैं बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स योर जेनेटिक एज वेल सो मेनी टाइप ऑफ हार्मोन्स। जेनेटिक हार्मोन के अनबैलेंस होने से भी माइग्रेन होता है। फिर कहते हैं सर स्ट्रेस बहुत है ना इसलिए सिर दर्द होता है, स्ट्रेस होता है। आजकल एक कहना बन गया है, कॉमन सा कॉज हो गया है लोगों को, कोई कहेगा कि हमें जो है माइग्रेन सर स्ट्रेस की वजह से हो गया है, सिर दर्द इससे होता है, काम रहता है, टेंशन होती है। टोटल माइग्रेन के केसेस का 10% ही जो है वो स्ट्रेस की वजह से या टेंशन की वजह से होता है। अब बात आती है कि माइग्रेन का नंबर वन फूड एलर्जी। अभी जीतू ने बोला पूछा मुझसे एक चीज, सर मैंने माइग्रेन टैबलेट दिया और उससे जो है उस लेडी को चक्कर सा आने लग गया। माइग्रेन केयर टैबलेट जो है वो क्या करती है, कैसे काम करती है। पहली चीज क्या होती है कि हमें माइग्रेन क्यों होता है उसको समझना पड़ेगा। फूड एलर्जीज लाइक कई लोगों को बैंगन की सब्जी सूट नहीं करती, किसी को नींबू सूट नहीं करता। 90% खाने में जो अवॉइड करने की चीज होती है माइग्रेन के टेस्ट के लिए, आप खुद में घर में टेस्ट कर सकते हैं माइग्रेन को, क्या आपको माइग्रेन फूड एलर्जी से है या आपको हार्मोन अनबैलेंसिंग से है। जेंट्स को माइग्रेन जो है 90% उसका कॉज होता है फूड हैबिट्स, और जेंट्स को 90% फूड हैबिट्स में तीन चीजें मेन इफेक्ट करती हैं, एक चावल, दूसरा नींबू, तीसरा उड़द की दाल, उड़द या तुअर की दाल। दालें और जो है चावल और नींबू, इन तीन से जेंट्स को 90% चांसेस होते हैं माइग्रेन के केसेस में फूड एलर्जी होना। लाइक मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल लूं, 2004 तक मैं एक सीवर माइग्रेन पेशेंट था, 98 से 2004 6 साल मैंने माइग्रेन को झेला है। और मैं एक ना समझ था कि मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, उस टाइम एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास मैं गया कि मेरे को माइग्रेन का बहुत इशू है और सिर दर्द अचानक नसें फटने पेंसिल जैसा होता है, नसें भी फट जाएगी। होता था कि मैं जैसे नींबू का शौकीन था, नींबू ले लेता था तो मुझे अचानक जो है ग्रीन सैलड वगैरह साथ या सब्जी वगैरह में डाल के मैं नींबू लेता या सब्जी पी लेता था तो मुझे सिर दर्द होता था। फिर साउथ इंडियन डिश खाने का शौकीन था, जैसे ही मैं चावल मेरे मुंह में जाता था आधे घंटे बाद सिर दर्द स्टार्ट हो जाता। तो उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि यू चेक योर फूड, आपको और कोई इशू नहीं है। 5 साल मुझे माइग्रेन झेलने के बाद मुझे पता चला कि मुझे ईटिंग हैबिट से जो है माइग्रेन होता था। फिर जब माइग्रेन के केसेस पे स्टडी की गई तो जेंट्स में 90% जेंट्स को जो सिर दर्द होता है वो फूड ईटिंग हैबिट से होता है और खास करके उसमें नींबू या उड़द की दाल, तुअर की दाल जो है दाल मखनी वगैरह खाने के शौकीन लोग हैं वो, और या फिर राइस, इन चीजों से उससे होता है। नॉर्मली माइग्रेन अगर आपको चेक करना है कि आपको कहीं फूड एलर्जी तो नहीं है, उसका कारण होता है कि आप जो है वीक में एक वीक लगातार किसी को छोड़ के देखिए, आपके जो डेली यूज में जो खाना खा रहे हैं रूटीन में जो खा रहे हैं उसमें से एक एक करके बेसिकली इन चीजों को छोड़ के देखिए। कुछ लोगों को इवन पालक से भी होता है, कुछ लोगों को और हरी सब्जियां होती है पत्तेदार उनसे भी हो जाता है, बट वो कुछ चांसेस होते हैं। 90% चांसेस इन 3-4 चीजों से होता है, उड़द की दाल, तुअर की दाल या फिर नींबू या राइस से होता है। कुछ लोगों को फर्मेंटेड चीजों से भी हो जाता है, ढोकला खमन वगैरह खाते हैं उन चीजों से भी कई लोगों को माइग्रेन होता है। फिर कुछ परसेंटेज जो है वो बेक्ड प्रोडक्ट से भी होता है, बेक्ड आइटम जो लोग खाते हैं
किए हुए जो आइटम्स रहते हैं उससे भी कुछ लोगों को होता है, बट वो परसेंटेज कम है। लाइक ब्रेड यूज होता है डेली, जैसे हमारे इंडियन नेवी में देखा है, ठीक है, वहाँ कंपल्सरी हो जाता है वो ब्रेड पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भी काफी सोल्जर्स को ये शिकायत होती है कि माइग्रेन हो रहा है और उसका रीजन होता है बेक्ड प्रोडक्ट्स लेना। अभी देखिए जीतू जी कंपल्सरी जब उन्हीं का टॉपिक करा तो लेफ्ट कर जाते। चलिए, तो फिर लेडीज में जब वो ईटिंग हैबिट्स को देखते हैं तो लेडीज को भी 50% खाने से होता है और 40% लेडीज को जो है वो हार्मोन की वजह से होता है। खास करके काफी सारी लेडीज को जो माइग्रेन होता है वो होता है डिलीवरी के बाद, या फिर लैक्टिंग लेडी होती है, जैसे ही बच्चे का दूध छोड़ते हैं वो लैक्टेशन से बाहर आती है तो उनको माइग्रेन के इश्यूज आते हैं। रीजन इज उनका हार्मोन, जेनेटिक हार्मोन्स का अनबैलेंस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो जेनेटिक हार्मोन्स को कंट्रोल करती है वो अनबैलेंसिंग करने लग जाती है हार्मोन रिलीज करने से, और वो जब होगा तो लेडीज का कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम की प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर जो है उन लेडीज को न्यूरॉन्स में इश्यू आता है। न्यूरॉन्स के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है उसका सेग्रीगेशन होना ब्लड से कम हो जाता है। ब्लड से न्यूरॉन्स की जो सप्लाई होती है उसमें जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, इसलिए लोगों को माइग्रेन होता है। अब इसका इलाज क्या है? लोग देसी इलाज घर में करते हैं, मेथी यूज करते हैं, मेथी भिगो के पीते हैं, उससे भी लोग इलाज कर लेते हैं। कुछ लोग दहमी लेने लग जाते हैं, कुछ लोग आंवला लेने लग जाते हैं, उन चीजों से होता है। फिर जेंट्स में जो इश्यू आता है या कॉमन जो इश्यू, जो फूड एलर्जीज का इश्यू होता है तो वो होता है मेटाबॉलिक सिस्टम से, मींस आपको एसिडिटी वगैरह जनरेट होने लग जाती है, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी एक सिम्टम होता है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और खट्टी डकार आना, उसके का ये हो रहा है तो आपको डेफिनेटली माइग्रेन हो सकता है इन फ्यूचर, या भी माइग्रेन हो रहा है तो आपको माइग्रेन नहीं है। नॉन कन्वेंशनल दवाइयां लेने के बजाय जो एलोपैथी दवाइयां लेने होती हैं, एलोपैथी की दवाइयां ना लेके अगर आप ट्रेडिशनल जो है आपकी जो घरेलू नुस्खे हैं उनको अपनाते हैं तो आप माइग्रेन से राहत पा सकते हैं 100%। अब बात आती है माइग्रेन केयर कैप्सूल। माइग्रेन केयर कैप्सूल बेसिकली है क्या? हर श्रृंगार एक हर्ब है जो कि बेसिकली आपको डोपामाइन जनरेट करने का काम आता है। डोपामाइन जनरेट करता है ताकि आपके जो सेग्रीगेट करने में हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है सेग्रीगेट करने में ब्लड से हेल्प करता है, डोपामाइन जनरेट करता है। फिर गोदांती भस्म है। गोदांती भस्म आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है। फिर मोथा है, आप मेथी कह सकते हैं, लैंग्वेज में जो हाउस लैंग्वेज में मोथा ही बोला जाता है, थोड़ा मेथी से थोड़ा डिफरेंट होता है बट सेम क्लास में आता है मेथी वाले। नॉर्मली जो है इंडिया में पाया जाता है मोथा खेतों के अंदर प्लेन एरियाज में, और गेहूं वगैरह की खेती होती है तो वहां पे वो ज्यादा मिलता है। गेहूं और जो वगैरह की खेती होती है उसके अंदर अपने आप उगके आता है, एक वाइल्ड टाइप क्लास होता है मेथी का, जिसको साइप्रस रोटेंडस बोला जाता है साइंटिफिक नेम में। मेथी जैसे ही उसके पत्ते होते हैं और वो आपको सबसे बड़ा जो है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड को सेग्रीगेट करने में काम आता है। फिर बड़ी इलायची होती है, और उसके बाद सतावरी भी आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में और लेडीज के जेनेटिक हार्मोन्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस करने का काम आती है। ये मेन कंस्टिट्यूएंट्स है हमारे माइग्रेन केयर। अब एक क्वेश्चन मार्क जीतू ने पहले उठा दिया, सर अपना माइग्रेन लेने से चक्कराने लगते हैं। वेरी गुड, तो जीतू जी हम क्या करते हैं, हम हिस्ट्री चेक नहीं करते पेशेंट की, क्या वो क्रॉनिक पेशेंट है, और वो क्रॉनिक पेशेंट है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इंटेक क्या है। उस पेशेंट को जो सबसे बड़ा रीजन है चक्कर आने का, और उसको ये कह दिया कि हमने जो है आपका माइग्रेन के लिए उसके बाद में जा पा। माइग्रेन केयर ही नहीं, कोई भी माइग्रेन होता है किसी टाइप का, अगर आपको सिर दर्द है उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको पानी की, फ्लूड इंटेक।
और वो भी हेल्दी वाटर। आपको सिरदर्द अगर होता है तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है उस टाइम पे पानी ज्यादा पी। और ब्लड में जो है ऑक्सीजन सप्लाई सबसे बड़ा एक कारण होता है, और इसलिए गर्म पानी पीने की आपको सलाह दी जाती है हमेशा। आपको सिरदर्द या कुछ भी है तो आपको गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने, गर्म करने से पानी को क्या होता है, पानी जैसे ही आप गर्म करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है और उसका जो मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग होता है ऑक्सीजन का, वो ब्रेक होता है। आपके पास हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं, नॉर्मल जो कॉर्पोरेशन वाटर है वो 20 से 40 मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग का होता है ऑक्सीजन का। और उस पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो जब पानी गर्म किया जाता है, गर्म पानी आप लूक वार्म वाटर या गर्म पानी पीने की सलाह डॉक्टर को देता है, वो उसका रीजन होता है ऑक्सीजन के आयन्स जो होते हैं उनकी मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग हो जाती है और इमीडिएटली आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से सप्लाई होती है आपके ब्रेन को, ब्लड को। और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से न्यूरॉन्स में ही सिरदर्द होता है या गिडनेस, इवन जो केसेस हैं अपने एपिलेप्सी केसेस हैं या फिर मेमोरी लॉस के केसेस हैं या फिर पार्किंसन केसेस हैं। सीएनएस सिस्टम से रिलेटेड, सीएनएस आप समझते हैं सब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स। उससे मेन काम न्यूरॉन्स का होता है और न्यूरॉन्स को सबसे ज्यादा एक्टिव करने का काम किसका होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को सेग्रीगेट करना पड़ता है ब्लड से। जिसका नाइट्रिक एसिड बढ़ जाएगा उसको भी प्रॉब्लम होती है, जिसका कम हो जाएगा उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पे आपके ब्लड को, आपके न्यूरॉन्स के माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। और वो काम क्या करता है, वो काम आपका हार श्रृंगार करता है, वो काम आपका जो गोदांती भस्म है वो भी करती है। बट साथ में क्या चाहिए, पानी का इंटेक चाहिए। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके फ्लूड के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। चक्कर जिन लोगों को आते हैं, इमीडिएटली गिडिनेस होती है, किसी को मिर्गी टाइप के दौरे आते हैं, उस टाइम पानी क्यों पिलाया जाता है, पानी लेके आओ पानी लेके आओ, लोगों की दाढ़ें जो है आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और उस टाइम उसका मुंह खोल के उसी टाइम अचानक चम्मच से पानी डाला जाता है। उसका साइंटिफिक रीजन, उसका रीजन है जैसे पानी गया तो वो डिओड्रेंट जाते लीवर उसको प्रोसेस करता है, वो आसान होता है और इमीडिएटली आपके किडनी जो है ब्लड में आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डालते हैं, प्यूरिफाइंग ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन भेजी जाती है और इसलिए पेशेंट 5 से 10 मिनट में दौरों से बाहर आ जाता है, मिर्गी से बाहर आ जाता है या एपिलेप्सी के अटैक से बाहर आ जाता है। तो मेन कारण क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई। तो ये तो कारण था जितेंद्र जी, आपके सवाल का जवाब था जो आपकी क्लाइंट को चक्कर आया, क्योंकि माइग्रेन केयर ने जाते डिमांड किया ऑक्सीजन के लिए, उसे ऑक्सीजन सप्लाई करनी चाहिए, नाइट्रिक एसिड को अलग, ऑक्साइड को अलग करना चाहा न्यूरॉन से, बट उसको सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, पानी नहीं मिल पाया, इंटेक नहीं मिल पाया तो उसको चक्कर आए। ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ गया बट आपको वहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम है तो इसलिए ऐसा होता है। विजेंद्र मैम ये आपको बताता हूँ, जो एपिलेप्सी केसेस होते हैं वहां पे वाइल्ड वाटर बहुत अच्छा काम करता है, वार्म लूक वार्म वाटर सबसे ज्यादा काम करता है। एपिलेप्सी केसेस को कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पानी कोल्ड ड्रिंक्स में, आपको आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। बोले ठंडे पानी के, फ्रिज के पानी का मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग जो होता है वो बढ़ जाता है, 40 के ऊपर चला जाता है। उनको हमेशा लूक वार्म वाटर पीना चाहिए। जिनको मेमो अल्जाइमर की बीमारी है, अल्जाइमर केसेस को भी जो है लुक वार्म वाटर पीना चाहिए, कोल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। पीट्स के पेशेंट को कोल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। जो स्पेशल किड्स होते हैं, सीपी जो बोला जाता है, सीपी केसेस में भी कभी भी कोल्ड चीजें नहीं देनी चाहिए, चिल्ड वाटर या फिर ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीनी चाहिए, जहर होता है, या जूसेस होते हैं पाइनएप्पल जूस या मौसमी जूस वगैरह में बर्फ डाल के नहीं पीना चाहिए। इन केसेस को नॉर्मल जूस पीना चाहिए और पानी हमेशा ल्यूक वार्म पीना चाहिए तो रिजल्ट बेटर आए। तो फिर आता है कि पहला है फूड एलर्जी। फूड एलर्जी अगर हो रही है आपको तो जो आपका
माइग्रेन केयर है, वो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पे भी काम करता है, और इसमें इलायची डाली जाती है, बड़ी इलायची, जो कि आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पे बहुत बड़ा काम करती है, कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी इश्यू में भी काम करती है। स्तावरी डाली जाती है, स्तावरी का कारण है वो लेडीज के हार्मोन्स को स्लो डाउन करती है। जिन लेडीज को साइकिल्स ठीक नहीं है प्रॉपर, उन लेडीज को माइग्रेन होने के चांसेस ज्यादा है। एबनॉर्मल साइकिल्स, एबनॉर्मल ओवुलेशन ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन, उनको ये इश्यू ज्यादा होते हैं और उनको माइग्रेन होने चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द हार्मोन्स ऑफ ए लेडी। लेडीज को जो सीवर कॉन्स्टिपेशन होता है उसका भी कुछ परसेंट कारण जो है वो हार्मोन अनबैलेंसिंग होता है। हार्मोन अनबैलेंसिंग इज रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिक सिस्टम एंड इट इज रिलेटेड टू योर सीएनएस सिस्टम, दैट इज माइग्रेन। आप इन चीजों को रिलेट करके देखिएगा कि लेमेन स्टडी से आप इसको रिलेट कर सकते हो। जो लेडीज लेट खाना खाती हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट जिनका लंच के टाइम होता है, वहां पे भी माइग्रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सर वर्कलोड ऐसा है, ये एक्सक्यूज की दुनिया में तो हम जीते ही है ना, एक्सक्यूज की दुनिया में हम जीते हैं। तो इस दुनिया के लोगों को सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन वो आपका माइग्रेन केयर है। और माइग्रेन केयर का अब लेने का तरीका क्या है? कुछ लोग कहते हैं सर सोते टाइम ले लें, दिन में एक टेबलेट ले लें चलेगा, क्योंकि लोग है ना, मानसिकता तो अपनी अपनी है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते ना मानसिकता के तौर पर। सब अपना कंफर्ट अपने हिसाब से किसी भी हर्ब को लेना पसंद करते हैं। फर्क ये होता है, एलोपैथी का डॉक्टर डराएगा, फोबिया घुसाएगा, अभी लो नहीं नहीं मुझे नहीं पता, आपको खाना खाते लेना है, सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट लेना है, आदमी अपने आप ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। बट जब आप लोग वेलनेस एडवाइजर जब समझाते हैं, पीपल टेक इट इजी, क्योंकि आप डराते नहीं है, हमें डराना भी नहीं है, बट समझाना जरूर होता है। और 90% लोग समझते इसलिए नहीं है बिकॉज कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। ये आदमी समझा रहा है और वो मेडिसिन दे रहा है या हर्ब्स दे रहा है और आपको नेचुरल तरीके से रिजोनेट करना चाहता है, तो आपको समझना चाहिए। जिसको माइग्रेन है, माइग्रेन केयर का बेस्ट रिजल्ट कैसे आएगा? आप एम्प्टी स्टोमक ना रहें, आप सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर हल्का सा नाश्ता कर लें, वो भी स्पाइसी चीजें ना खाएं। बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में आदत है सर सुबह 2 चाय और 2 टोस्ट लिए। हमारे यहाँ जो लोग अभी अवेलेबल हैं, इनमें से 50% ज्यादा लोग टोस्ट के बहुत शौकीन हैं, टोस्ट लेने के, बिस्किट टोस्ट ले लिए सुबह, वो नाश्ता हो गया, या ब्रेड खा लिया, सर 2 ब्रेड खा लेते, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाया तब और चाय पी ली थी तो नाश्ता हो गया सर, मैं दवाई दे। ऐसा नहीं है, यू शुड हैव अ हेल्दी डाइट, हेल्दी ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या है? आप फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट करते हैं, सैलड्स का कर सकते हैं, या इवन नॉर्मल चपाती वगैरह ले सकते हैं, नॉर्मल जूसेस ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो अगर आप इम्यूनो प्लस या सिपल फॉर्म पीने के शौकीन है, इम्यूनो ड्रॉप लेके अपना बेसिक जूस ले लीजिए और उसके बाद हल्का कुछ खा पी लीजिए और उसके बाद आप माइग्रेन केयर ले सकते हैं। अगर उस टाइम आप माइग्रेन केयर ले लेते हैं सुबह 7:30-8 बजे, तो वो ये उम्मीद है कि 90% आप सही पानी मात्रा में पानी पी रहे हैं 2.5 से 3 लीटर, तो आपको पूरा दिन माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा। फिर दूसरा, अभी प्रिया रामरखानी मैडम ने पूछा था एक सवाल, सर 7-8 दिन मैंने उन मैडम को टैबलेट दी सैंपल के तौर पे, पर उनको कोई आराम नहीं मिला। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आराम नहीं मिलता है। सीएनएस सिस्टम सबसे सेंसिटिव सिस्टम होता है आपकी बॉडी का, जहाँ से आपकी सेंसेस कंट्रोल होती है, कमांड करता है वो आपके पूरे बॉडी को, आपके टिश्यूज को, ऑर्गन्स को। जब आपके न्यूरॉन्स हैबिचुअल हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को सेग्रीगेट ना करने के, आपके ब्लड की जो सप्लाई है ब्रेन को, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है सेग्रीगेट प्रॉपरली नहीं होता है और आपका ब्रेन का जो अल्पाइन फ्लूइड है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, तो आप क्रॉनिक पेशेंट बन जाते हैं। और कोई भी क्रॉनिक पेशेंट, कोई भी क्रॉनिक जो एलिमेंट है, वो 21 दिन पहले उसमें आराम होना शुरू नहीं होता है, चाहे वो आर्थराइटिस है, चाहे वो किडनी इश्यूज हैं,
चाहे वो आपके लंग्स के इश्यूज हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, या वो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इशू है, क्योंकि आपके लीवर जो सुपर कंप्यूटर है उसको कम से कम 21 डेज चाहिए प्रॉपरली एंटी एंजाइम्स बनाने के। प्रॉपर एंटी एंजाइम्स बनाने के किसी हर्ब के उसको 21 डेज चाहिए होते हैं, और जब 21 डेज चाहिए तो आप सोचिए कि आपने माइग्रेन केयर 4 या 5 दिन लिया, 6 दिन लिया या 7 दिन लिया, और वो भी एक एक टैबलेट ली, तो आपके लीवर ने प्रॉपरली एंटी एंजाइम्स बनाए नहीं थे, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आपको रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा, पैलोपैथी लेने के सॉल्ट्स के शौकीन हो चुके हैं, आपका ब्लड जो है डिमांड करने लग जाता है, एंड जो आपके एनाल्जीन और एनासिन वगैरह जो जो भी आपने सॉल्ट्स लिए, उन सॉल्ट्स का हाइड्रोक्लोराइड है, इन सॉल्ट्स का आदि बन जाएगा, डिक्लोफेनेक का आदि बन जाएगा, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि वो आपको इमिडिएटली रिजल्ट दे देगा। हाँ, वो रिजल्ट देगा, बट आपको लगातार उस पर काम करना पड़ेगा, लगातार आपको माइग्रेन केयर भी लेते रहना पड़ेगा, आपको जो है अपना इंटेक भी बढ़ाना पड़ेगा, और आप फ्लूड इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में आपको वो चीजें बंद करनी पड़ेगी जिनसे माइग्रेन होने के चांसेस हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। एसिडिक डाइट बंद करनी पड़ेगी, ऑल स्पाइसी हैज टू बी स्टॉप, रेड चिली हैज टू बी स्टॉप, अमचूर, इमली, कोल्ड ड्रिंक्स, दिस ऑल स्टूपिड थिंग्स यू विल हैव टू स्टॉप। ये पहली चीज है। लोग कहते हैं सर परहेज क्या है, बाकी चीजों तो परहेज नहीं होता है, हर्ब्स में परहेज क्यों है? उसका रीजन एक ही है, परहेज नहीं है भैया, आपको केयर तो करना पड़ेगा, इंटेक का केयर तो करना पड़ेगा, क्योंकि 90% जो माइग्रेन है वो एसिडोसिस और ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है बॉडी में। प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का सेग्रीगेशन रुक जाता है, डोपामाइन बनना कम हो जाता है, तो आपको स्ट्रेस होती है और माइग्रेन होता है। ये तो क्या 50% फूड एलर्जीज एंड हार्मोन्स, 40% हार्मोन किससे होता है, 50% जो है आपको डाइट की वजह से होता है। अब आगे 10% जो है वो होता है माइग्रेन स्ट्रेस की वजह से, जिसको बोलते हैं चिंताएं, तनाव। अब तनाव की वजह क्या होता है, तनाव से क्या होता है, जब आप टेंशन में रहते हैं तो आपका स्लीपिंग टाइम चेंज हो जाता है, टेंशन आप सो नहीं पाते, नींद पूरी नहीं होती है, आपका ब्रेन फैटिक बढ़ जाता है, तीसरा नेगेटिव ओरा तो हो ही जाती है, ओरा से नेगेटिविटी आ ही जाती है, चौथा आपके फूड इंटेक्स, आपका डाइट इंटेक्स प्रॉपर नहीं रहता है, फिजिकल रेस्ट मेंटल रेस्ट होता नहीं है, डाइट से ही होती नहीं है, और फिर क्या होता है आपका फूड इंटेक भी कम होता है, बिकॉज यू बिकम केयरलेस अबाउट योर हेल्थ, और ये सब चीजें होती हैं, तो ये चीजें प्रभाव डालती हैं आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पे, मेटाबॉलिज्म पे, और मेटाबॉलिज्म पे जब चीजें असर डालती हैं तो फिर साथ में क्या होता है, फिर आपका डोपामाइन जनरेट होना कम हो जाता है, डोपामाइन जनरेट कम होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी आपके न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज को, न्यूरॉन्स की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और उस कारण भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड अनबैलेंस हो जाएगा, आपको माइग्रेन हो जाएगा, आपका सीएनएस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, दैट इज द थर्ड कॉज। इन सब का सॉल्यूशन अब आपके पास माइग्रेन केयर है। माइग्रेन केयर में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करे, आपके सीएनएस सिस्टम को अफेक्ट करे, जैसे जीतू जी ने बताया सर उसका सिर दर्द बढ़ गया और चक्कर आ गए, उसका एक ही कारण था पानी का ना पीना, और क्लाइंट्स कई बार झूठ बोलते हैं, नहीं सर पानी तो बराबर पी रहे हैं, उसे सही मायने पूछा जाए, रीचेक किया जाए, तो आप पाएंगे वो पेशेंट 1 या 1.5 लीटर पानी भी नहीं पी रहा होता है। अगर कोई क्लाइंट 2.5 से 3 लीटर पानी पी रहा है, नॉट ओनली माइग्रेन केयर, आप कोई भी प्रोडक्ट देंगे उसका रिजल्ट बेस्ट आएगा ही आएगा। अभी माइग्रेन केयर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरी डॉटर को जब भी माइग्रेन का अटैक आता था ना, तो मतलब जैसे ज्यादा बढ़ जाता था, तो मैं उसको फैमिली डॉक्टर के पास लेके जाती थी, तो सर वो मान टेबलेट्स लेती थी, जो आप गर्म पानी की बात सर बोल रहे हैं ना, तो तब मुझे लगता है कि पेशेंट इतना अपने प्रति अटेंटिव होगा जो गर्म या वार्म वाटर, लुकवार्म वाटर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि तब तो वो एक ही बात बोलती है,
कि भाई लाइट बंद करो, अगर रात है दिन है, बस डोर अपना क्लोज किया और बस सो जाती थी वो, ना उसको भूख है हिमाजी ना लाइन पे हैं प्यास क्या है। आलोक जी? हिमाजी लाइन पे हैं क्या? आई विल गिव द रिप्लाई। आलोक जी, खुशिया केस आपको याद है? किसका? खुशी का केस याद आपको? मेरे वाली खुशी का, हाँ ब्रेन इश्यू का? हाँ अभी वो बिल्कुल ठीक है। पहले वो एडमिट होती थी जबकि भाई खुद न्यूरोसर्जन है और वो हॉस्पिटल में जाके सोती थी आराम से और वो इंजेक्शन देती थी। आपने जो बोला मैडम सही बात है, कम उम्र के बच्चे अटेंटिव नहीं होते, बट पेरेंट्स को अटेंटिव होना पड़ता है कि गर्म पानी ले। मेरी बेटी भी यही है, उसको लाइटें ऑफ चाहिए, कोई ऊंची आवाजें नहीं बोलेगा, कोई ये नहीं करेगा। उसका एक कारण होता है एस्ट्रोजन हार्मोन भी बहुत बड़ा इशू होता है गर्ल्स में, और ये कम उम्र की गर्ल्स में जो हार्मोन, ये जो ये माइग्रेन होता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन उसके हार्मोन से रिलेटेड होता है, फीमेल हार्मोन से रिलेटेड। मेरे खुद की छोटी बेटियां केस है, इसमें हिमाजी ज्यादा बेटर तरीके से बता सकती थी, इवन आलोक या नीलम भाभी होती को भी बता देती, इन्होंने कई बार हीलिंग किया उसका और वो एडमिट भी रहती थी और उसका ऐसा हाल हो जाता था कि हमें लगता था काउंसलिंग कराई जाए। नाउ शी इज टोटली ओके, शी इज नाउ 15 इयर्स और अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है, 16th ईयर रनिंग है, पर वो पेरेंट्स को केयर करना पड़ता है। हाँ सर, मैं तब की बात बता रही हूँ, जब उसे अटैक होता है ना, तो वो मान मान जो डॉक्टर देता है ना, वो दवाई खाली लेती है और उसके बाद बोलती है, हम उसको बोलते हैं कुछ खा, जो जबरदस्ती उसको देना पड़ता है, बिस्किट खा के दवाई ले तो ठीक है, नहीं तो वो बोलती है बस मेरे को सोने दो, मुझे आराम करने दो, वो हिमा एक ही जी, चीज हिमा बोलती जी, जो आप बोल रहे हैं ये केस मैंने कई साल भुगता है है। और मैंने सारे ट्रीटमेंट घर में होते हुए भी, वो तो ठीक है, घर का हॉस्पिटल था, उसको जान बूझ के मम्मी ले जाके वहां लेटा देती, हाँ ठीक है तुम रहो, और उसका चाचू उसको कुछ नहीं देता था, कहने को दवाइयां देता था, बाकी वो सिंपल ग्लूकोज लगा के छोड़ देता था। वो कहता खुशी अभी तेरे को दवाई दे दी बेटा तुम सो जाओगे, और साइकोलॉजिकली उसको असर होता था और आधे घंटे में सो जाते, अगले दिन सुबह फ्रेश हो गया, हाँ मैंने दवाई ली, मैंने मेडिसिन लिया, मैं फिट हो गई। इट वाज साइको इफेक्ट आल्सो, अभी वो इफेक्ट उसको नहीं है, जैसे मैच्योर हुई है उसको कोई इफेक्ट नहीं है, अब उसको ऐसा कोई इशू भी नहीं है। रीजन ये है उसके हार्मोन अब बैलेंस हो गए हैं रमणी कल्प से, तो उसको कोई इशू नहीं है। सर यही चीज हमारे साथ भी हुई है सर, मेरी डॉटर ने भी 2 शीशी खत्म करी ना, तो उसको पीरियड साइकिल तो उसका प्रॉपर नहीं हुआ है, पर सर उसको फायदा ये हुआ है कि अभी काफी दिनों से उसको सरदर्द की मुझे कंप्लेन नहीं करी है सर, तो मे भी हो सकता है इसका मेन ये हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से इसको 9th से सर ये हुआ है, 5 साल हो गए उसको इस चीज को। मैम आपका सवाल ही आपका जवाब है। आलोक जी, विजेंद्र मैडम, महिमा मैडम ने सवाल का जवाब दे दिया ना अपने आप। मैंने बोला 100 केसेस में से 40 केसेस लेडीज को फीमेल में हार्मोन अनबैलेंस होते हैं, तो बीमारी भी आपने पकड़ दिया, इलाज भी कर दिया है सर, पर आपने लेडीज में जो फूड एलर्जी है वो प्रॉपर पॉइंट नहीं बताया सर, जेंट्स में तो आपने बता दिए पर लेडीज में इतना प्रॉपर नहीं बताया सर। मैम, सेम चीजें तो लेडीज में होती। नहीं पर आपने जेंट्स बोल के 5 चीजें बोली सर, तुअर की दाल हो गई, उड़द की दाल, तो नींबू ये लेडीज में भी यही है मैम, लेडीज में भी यही है ये फूड अच्छा एलर्जी, ओके लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, अच्छा ओके ह्यूमन सर। एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ। लेडीज का दूसरा कारण है सुबह खाली पेट रहना, 12-12 बजे 1-1 बजे तक एम्प्टी स्टोमिक रहना, वो भी एक कारण है। हाँ सर वो पानी कम पीना भी लेडीज का कारण है, ओके जेंट्स के कंपैरिजन में लेडीज कम पानी पीती, सर दे आर मच केयरलेस। सर जी, सर ये अगर नॉर्मल जैसे माइग्रेन के नॉर्मल आदमी को कुछ लेना है तो क्या डोजेज आप रेकमेंड करते हो, कि हफ्ते में एक बार या क्या? नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल आदमी एक टेबलेट ले सकता है, एक एक टेबलेट, जैसे मेरे पास अभी डब्बी खुली हुई है तो मैं सोच रहा हूँ अगर डब्बी खुली हुई है तो एक टेबलेट डेली खा लो। ऐसे तो काफी सारी चीजें तो हैं, पर क्या है थोड़ा डर भी लग रहा था कि ये माइग्रेन। हाँ बिल्कुल, अभी उसके लिए मैंने आपको पूछा कि भाई वो लेडी को तो चलो प्रॉब्लम समझ में आ गया, उसका क्या इशू था, तो हम तो ले सकते हैं ना वो सॉल्यूशन। लोग हंसेंगे, मैं आपको बता दूं, अब लोग हंसेंगे, मैं आपको साइंटिफिक चीज बताता हूँ।
जेंट्स के पास अगर घर में आपकी वाइफ की रमणीकल खुली हो ना, गर्ज महीने में 4-5 दिन आप एक एक रमणीकल भी खा लोगे, दैट इज गुड फॉर एवरी ह्यूमन मेल फेलोज। ये मालूम है क्या लोगों को? और मैंने एक बार पहले भी बताया था रमणीकल के इश्यू में, जेंट्स घर 4-5 दिन महीने में एक एक टेबलेट रमणीकल भी खाएंगे तो भी उनके हार्मोन्स के लिए हेल्दी रहता है जेंट्स के लिए। कुछ मात्रा एस्ट्रोजन की भी जेंट्स के हार्मोन्स में होती है, उसको भी बैलेंस करती है रमणीकल। और रेफरेंस के लिए रमणीकल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर स्टडी की जाए और आपके जो मेल हार्मोन्स पे जो टेस्टोस्टेरोन पे काम करता है उनकी स्टडी करेंगे तो उसमें वही चीजें हैं जो फीमेल को दी जाती है, एसेट देन फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एक्सएक्स एंड एक्सवाई क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने के लिए जो है जेंट्स को भी जो है अगर रमणीकल महीने में 3-4 टेबलेट ले लेते हैं तो बुराई नहीं है। अब बाकी चीजें तो आप सबको ही खा ही सकते हैं, बाकी सबके लिए कॉमन नहीं है। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर किसी को माइग्रेन की कंप्लेन है सर, और सर अगर वो ठंडे पानी से दूर रहे, समझो फ्रिज के पानी से, सर फायदा पड़ेगा? काफी हद तक क्योंकि ठंडा पानी भी कॉन्स्टिपेशन का सर एक बहुत बड़ा रीजन है। बिल्कुल जी, अब कौन बताए, यहाँ पे मातृशक्ति बैठी है, महिलाएं बैठी, मैं कुछ कह दूंगा मेरे ऊपर बाउंस बैक करेंगी। 50% तो कॉन्स्टिपेशन की स्कार ही इसलिए है, हमें तो ठंडा चाहिए, हमें तो ठंडा चाहिए। और जो आजकल की ये जो जनरेशन ना, यंग तो 15 साल की उम्र से लगा और ये जो 40 साल तक की है ना, इनको 90% और चाहिए ठंडा पानी, 24 घंटे इनके कारण तो चलता ही नहीं है, बिना एसी के जी नहीं सकती। कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम चाहिए चाहिए होती, खाना खाते ही पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, साथ में बढ़िया एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती इनको, फिर खाना खाते चिल्ड आइसक्रीम चाहिए होती है। मेरे ख्याल से जो भोजन करने की प्रक्रिया है आपके वेदों और शास्त्रों अनुसार, तो खाना खाने के बाद तो ठंडी चीज वैसे नहीं खानी चाहिए, मीठा खाया जाता तो गर्म खाया जाता था, आजकल आमरस गर्मियों में ठंडा ठंडा आमरस लेके मम्मी टेबल पे मम्मी आमरस परोसती है बिल्कुल आइस क्यूब के साथ क्रश किया हुआ, फिर कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही। ठंडा छाछ फिर भी नुकसान कम करेगा, पर ये जो ठंडा आमरस है और ठंडी आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक है या ठंडा फ्रिज का पानी है खाना खाते हुए, वो सबसे खतरनाक है। खाना खाने के बाद अगर आप आधा ग्लास ल्यूकवॉर्म प्योर वाटर पीते हैं तो ज्यादा बेहतरीन है आपके लिए, आपके कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, आपके माइग्रेन इश्यूज में काम करने के लिए। और इन सबका सोल्यूशन जब आप ठीक ठंडा गर्म पीते रहिए, खाते रहिए, पर माइग्रेन केयर लेते रहिए, और ये उन लोगों के लिए माइग्रेन केयर लेने वाले लोगों कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिलता है। और माइग्रेन केयर जो है वैसे आपको ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ लेना चाहिए, ठंडे पानी के साथ नहीं लेना चाहिए। और माइग्रेन केयर लेने के साथ साथ आपको पानी का इंटेक 1 लीटर बढ़ाना होता है, वरना फिर वही बात आती है सर चक्कर आने लग जाते हैं। जितेंद्र जी क्लियर हुआ आपका क्वेरी? हाँ सर जी जी, तू बोलिए। सर ये ट्यूबल टैबलेट है, ये सक करके लेनी है, विच इज रिकमेंडेड के कोई अगर ऐसे गलती से निगल भी रहा है सीधा, गलती से निगल रहा है निगल लें तो चूस के लेगा तो ज्यादा बेटर है। जो ट्यूबल टैबलेट उसका कारण है, उसका रीजन है, जब आप चू करते हैं तो धीरे धीरे डिओड्रेंट में जाते हैं, और वो उसके साथ साथ जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो साथ साथ में जो वांटेड एसिड्स हैं जो स्प्लिन को चाहिए या प्रोसेस करने के लिए जो लीवर का एंटीएंजाइम देने होते हैं, ये जितने च्यूएबल टैबलेट हैं उनको धीरे धीरे एंजाइम मिल पाता है और ये स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स होती हैं। अगर आपने गलती से निगलना है, चू नहीं कर सकते, तो आप ये समझ लीजिए आपको उसके बाद कम से कम आधा लीटर पानी साथ में चाहिए होता है। ये नहीं 50 ग्राम पानी 50 ml पानी पी लिया, आधा ग्लास पानी पे टैबलेट घूट कर चल दिए, आपको मिनिमम आधा लीटर पानी चाहिए। जितने च्यूएबल टेबलेट है इनको अगर आप च्यू नहीं कर सकते और आपको डाइट निकलना है तो आधा लीटर ल्यूकवार्म वाटर उसी टाइम चाहिए आपको,
कभी भी ठंडे पानी से ना ले, और आधा लीटर ल्यूकवार्म वाटर से आप जो है इसको निकल सकते हैं। हाँ जी और कुछ? और कोई क्वेश्चन किसी का? आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गए, माइग्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों के। भैया कोई रिप्लाई भी देंगे कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। चलिए यार माइग्रेन केस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो अब बात करते हैं लीव हार्टी। लीव हार्टी क्यों लिया जाता है, कोई बताएगा? जितेंद्र जी आप ही बता दीजिए, लीव हार्टी क्यों लिया जाता है? सर एक तो कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो, या एसिड ज्यादा डकारे वगैरह आ रही हो, या प्लस जो कहते हैं ना कि जलन बर्निंग हो रही है खाने के बाद, तो उसमें भी ले सकते हैं। प्लस लीवर को सपोर्ट चाहिए, एंटी एग्जाम नहीं बना रहा है तो लीव हार्टी चालू कर दें, ज्यादा आप बता सकते हैं? नहीं नहीं मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ, लीव हार्टी लेने वाले लोग यहाँ काफी होंगे जो लीव हार्टी पीते हैं और रिकमेंड काफी लोग करते हैं, लीव हार्टी क्यों लेना चाहिए? चुप रहने से बात नहीं बनेगी, आप लोग बोलेंगे तभी मजा आएगा। सर जी अभी मैंने जैसा पिछली बार आपने बताया था कि जिनको हम हर प्रो या किड्स केयर दे रहे हैं, अगर बॉडी फिर भी नहीं बढ़ रही है तो उनके लिवर में थोड़ा हमको काम करना पड़ेगा। तो जैसे कि लिव हार्टी मैंने दिया हुआ है 2-3 लोगों को, हर प्रो के साथ 2 लोगों को, तो अभी देखें उनका रिजल्ट अच्छा होपफुली आएगा, उनको भूख भूख तो लग रही है, तो ये भी एक अच्छा कारण है कि कुछ भी इनटेक लें और लिव हार्टी साथ में दें तो हो सकता है उसका असर जल्दी बॉडी पे आएगा। Am I correct? और कुछ? विजेंद्र मैम, महिमा मैम आप लोग बताइए, कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। सर एसिडिटी के लिए भी, क्योंकि कुछ जब हम लोग चीजें खाते हैं या ये मेडिसिन वगैरह भी खाते हैं तो उससे एसिडिटी होती है, इस वजह से भी लिव हार्टी सजेस्ट करते हैं। एंड लीवर कई बार कम जूस सीक्रेट करता है डाइजेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, तो ये लिव हार्टी इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं इमीडिएटली आफ्टर खाने के बाद, ताकि आपका जूस अच्छे सीक्रेट हो, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो। जी और कोई बताएगा? और कोई बताएगा मुझे लीव हार्टी क्यों लेनी चाहिए? लीव हार्टी के बारे में पढ़ा है बुक में? मेरे ख्याल से लगता है हमारे जो प्रोडक्ट कैटलॉग है वो अभी बंद भी हो जाएगी, शायद 20-25 लास्ट कॉपी बची है, आगे तो मैगजीन आ रही है, मैगजीन में कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह लिखे हुए नहीं है, और जैसे ये हमने प्रोडक्ट कैटलॉग बनाते हैं इसमें जो डिटेल्स है इतना डिटेल्स आपकी मैगजीन में नहीं आएगा, मैगजीन में सिर्फ ये फायदे नुकसान क्या है वो आएगा। हेपेटिक और लीव हार्टी में क्या डिफरेंस है? चलिए बात करते हैं। ये हेप्टोप्रोटेक्टिव होता है, आपके लीवर को बचाना, लीवर एक वाइटल ऑर्गन होता है, और लीवर वाइटल ऑर्गन होने के साथ काम क्या क्या करता है? लीवर आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में, मेटाबॉलिक सिस्टम का कुछ जनरेट करने के लिए मेन सेंट्रल ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन होता है मेटाबॉलिक सिस्टम का, जो आपके प्रोसेस भी करता है, एंटी एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, इम्यूनो एसिड्स भी देता है, और साथ में वो आपको फूड स्टोरेज जो होती है बॉडी में, जो स्टोरेज जो होती है उसको भी देख रहा है, उसके सेक्रेशन में भी काम आता है, करता है, और साथ में वो आपके बाकी जो चीजें होती हैं
इसको आप बोल सकते हैं इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसमें काम आता है और एंजाइम मॉड्यूलेटर का भी काम करता है, लीवर को एंटी एंजाइम भी मॉड्यूलेट करने होते हैं। और उन सब में अभी लीव हार्टी क्यों लिया जाता है, लीव हार्टी देखा जाए तो बेसिकली आपको जो एंजाइम जो है मॉड्यूलेट करने में सबसे बड़ी मदद करता है, एंजाइम मॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और साथ में जब आप जो खाना खाते हैं जो ज्यादा ऑक्सीडेंट्स होते हैं, अनवांटेड एसिड्स होते हैं, उनके सेक्रेशन वगैरह में भी काम आता है। अब इसके अंदर भृंगराज डाला हुआ है और भृंगराज जो होता है वो हाइपर प्रोटेक्टिव हाइपर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज के साथ होता है, जो आपके हंसने को बचाने से ज्यादा जो प्रॉपर्टीज होती है वो भृंगराज में होती है, जो आपके लीवर की वॉल्स को और लीवर सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। फिर कालमेघ होता है इसके अंदर, फिर मोथा, मोथा भी इसके अंदर होता है, जो कि माइग्रेन, आपने कॉमन प्रोडक्ट बताता हूँ, माइग्रेन केयर में भी मोथा दिया गया है और लीव हार्टी में भी मोथा दिया गया है, जो आपके इम्लो प्लस में भी मोथा दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी हब है। फिर जो है अर्जुन, लीवर के अंदर भी अर्जुन की मात्रा है। और फिर जो है आपके पेड़ा, हरड़, आंवला, ये सब चीजें इसके अंदर, जो त्रिफला में जो प्रॉपर्टीज होती है, त्रिफला, आंवला, पेड़ा और हरड़, इन तीनों चीजें बना हुआ होता है, वही सब चीजें इसके अंदर भी लीव हार्टी में भी दी गई है। और साथ में जो है स्तावरी भी इसमें दिया गया है। और कई बार कुछ लोगों मैंने पाया सुना था दारुम हल्दी, दारुम हल्दी का एक्सट्रैक्ट इसमें होता है। और जब ये सारे एक्सट्रैक्ट इसके अंदर होते हैं तो इन एक्सट्रैक्ट्स में सबसे जो मेन ध्यान देने वाली बात थी वो है इसके अंदर भृंगराज और मोथा और कालमेघ, इन तीनों का एक्सट्रैक्ट सबसे ज्यादा है, जो आपके लीवर की जो मेन क्वालिटीज होती है, जो मेन चीजें जो रेजोनेट करेगा, एक तो एंटी ऑक्सीडेंट लेवल जो है उसको ठीक करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, दूसरा अगर आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में लीवर प्रॉपरली काम करने लग गया तो लीवर प्रॉपर एंटी एंजाइम जनरेट करेगा, आप जो भी खाते पीते हैं, खाते पीते हैं जी लगता नहीं है। जीतू ने पूछा था हर्स प्रो, सर मैं हर्स प्रो देने के साथ लीव हार्टी लू तो देखते क्या रिजल्ट आएगा, जो लीव हार्टी जो लोग यूज कर रहे हैं उनको डेफिनेटली इन डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, दूसरा जो डाइट आपने लीव्स का प्रॉपर डाइट का रिजल्ट आपकी बॉडी पे आएगा और आपकी स्प्लिन जो है वो प्रॉपरली काम करना शुरू कर देती है। हाँ, फैटी लीवर, बल्की लीवर हो गया, लीवर स्लेस हुआ, उसमें काम करेगा बट बहुत स्लो काम करेगा कंपैरिजन टू हेपेटिक। हेपेटिक 10 टाइम्स फास्टर काम करेगा बल्की लीवर, फैटी लीवर और लीवर सोराइसिस जैसे इश्यूज, लीवर अल्सर्स, इन चीजों में। या आप स्ट्रॉन्ग कोई डाइट्स ले रहे हैं, एलोपैथी का आपने बहुत ज्यादा यूज किया है तो वहां पे हेपेटिक लेना होता है, ड्रिंक करने वाले लोग जो लीकर लेते हैं, टॉक्सिन जो ज्यादा यूज करते हैं, या जो लोग स्मोकर्स हैं उनके लिए हेपेटिक मस्ट है। लीव हार्टी जो कभी कभार कैजुअल ड्रिंकर्स हैं या फिर जो कैजुअल अपने पिज्जा वगैरह खाते हैं या और इस तरह की चीजें लेते हैं, मैदा के आइटम खाते हैं, उन लोगों के लीव हार्टी कॉमन चीज है। टोटल मिला के लीव हार्टी हर आदमी को लेनी चाहिए आज के टाइम, क्योंकि टॉक्सिन्स पता ही नहीं आपको कि हर चीज में आ रहा है, ये अपना इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह ये हर खाने में आ रहा है, पॉइजन चीजें हर खाने में आ रही है, कुछ जर्म्स आपके खाने में आ रहे हैं, बैक्टीरियाज आपके खाने में आ रहे हैं, तो उनके लिए जो है लीव हार्टी डेली लेना काफी अच्छा रहता है। और लीव हार्टी इमीडिएटली लेना होता है खाने के साथ, आपको बता दूं खाना खाते विद इन 5-6 मिनट आपको लीव हार्टी ले लेना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का अगर मेटाबॉलिक सिस्टम वीक है, मेटाबॉलिक सिस्टम वीक बोले तो जिनको खाने के बाद मोशंस आते हैं, खाने के बाद की बजाय खाने से पहले लीव हार्टी लेना चाहिए। जिन्हों खाते इंडाइजेशन सिस्टम की शिकायतें हो जाती हैं, पेट दर्द हो रहा है, फटरिंग हो रही है, या उनको मोशंस आने का डर रहता है, थोड़ा हैवी डाइट मिली उसने टॉयलेट की तरफ भागते हैं, उन लोगों को लीव हार्टी खाना खाने से 15-20 मिनट पहले ले लेनी चाहिए, तो वो ढंग से खाना खा पाएंगे। भूख कम लगती है जिन लोगों को, उनको खाना खाने से आधा घंटा पहले लीव हार्टी की एक दो स्पून ले लेंगे तो आपको भूख प्रॉपर लगेगी। पूरा दिन खाना नहीं खाया, भूख खत्म हो गई है,
आप खाना खाना इनकी एंजाइम्स प्रॉपर नहीं जनरेट हुए आपके लीवर में, आपको भूख नहीं लग पा रही है, तो उस टाइम आपको स्टार्टिंग में दिन में तीनों टाइम खाना खाने से पहले लेना चाहिए। आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकेंगे, लंच कर सकेंगे, डिनर कर सकेंगे। जिनके बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ताकि माताओं की क्या शिकायत होती है, खाना तो खाया ही नहीं है, खाना खाती ही नहीं, इसको भूख नहीं लगती बच्चे को, उन माताओं को चाहिए कि वो आधा घंटा पहले अपने बच्चों को लीव हार्टी देना शुरू कर दें, तो बच्चे प्रॉपरली खाना खाएंगे, बच्चे प्रॉपरली खाना खाएंगे। और अगर आपको लगता है कि बच्चों खाना पीना नहीं लग रहा है, आप पूरा दिन उनको खिलाते रहते हैं, जैसे मैंने देखा है लेडीज जो है बच्चे पीछे पीछे घूमते रहती है, तीन साल से कम उम्र का, सर क्या करूं, वो खाना ही नहीं खाता है, रुकता ही नहीं है। उन बच्चों को पीछे पीछे घूमने की बजाय उठाओ, खाने की बजाय उनको चम्मच जो है, एक चम्मच जो है लिव हार्टी दे दो, दिन में तीन बार लिव हार्टी दे दो, बच्चा आपके पास खाना खाने आएगा, उसकी भूख बढ़ जाएगी। दूसरा, कुछ लेडीज को मैं हमरे से बताऊं, आपके पतियों को जो होता है भूख नहीं लग रही है, टाइम पे खाना नहीं खाते, तीन घंटे तक बैठे रहते हैं, आपने खाना खा बना दिया तो अरे मेरे को मूड नहीं है अभी खाना नहीं खाना है, और अपने हस्बैंड को प्रॉपरली जो है ना लीव हार्टी देना शुरू कर दो, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर टाइमली आपने तीन टाइम खाना उनको लीव हार्टी दे दिया, वो आपको आधे घंटे में कहेंगे भैया खाना ला के दो, खासकर जिनका रूटीन नहीं। कई शिकायतें मिलती, सर रूटीन नहीं है हमारे घर में खाने का, वो कभी 10 बजे खाते हैं, कभी 8 बजे खाते हैं, कभी 11 बजे खाते हैं, तो उनको लगातार एक महीना आप लीव हार्टी दीजिए, दिन में तीनों टाइम, डेफिनेटली वो लोग टाइम पे खाना खाने लग जाएंगे। अब ठीक है, वो हस्बैंड्स पे मजाक है, बट आप बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी को भी दे सकते हैं, तो मेटाबॉलिक सिस्टम को रेजोनेट करेगा। अर्जुन जो दिया गया है उस कारण है, कई लोगों को अनइजी फील होता है खाना खाने के बाद, तो आप अनइजी जिन लोगों को फील होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना ज्यादा आता है, लोगों को खाना खाने के बाद एकदम ज्यादा पसीना आता है, मीन्स आपने हेल्दी डाइट ली और डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है आपका, तो उस टाइम पे अर्जुन आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है और आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनने से भी, ये आपको ब्लड में इम्प्योरिटीज सेग्रीगेट करने का काम करता है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। अर्जुन की मात्रा होने का लीव हार्टी आपको डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है, ब्लड की इम्प्योरिटीज को जो है रिफाइन करता है किडनी से, और साथ में अब हृदय है तो वो आपको जो है बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करती है। फिर दारू हल्दी जो है आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करता है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, क्रुक्यूमिन से भी ज्यादा जो है एंटीबायोटिक माना जाता है दारू हल्दी होती है। दारू हल्दी रेयर है और अपने हिमालयन टेरेन में, हिली टेरेन में पाई जाती, जड़ होती है, और उसको वो हल्दी जैसा, उसको हल्दी सिर्फ दारू हल्दी सिर्फ जाता है, दारू में एक्चुअली बेसिकली दवा के लिए यूज किया गया है, वो दवा के लिए ही यूज होने वाली जड़ होती है, और उसका एक्सेप्ट जो है एंटीबायोटिक का काम करता है, इवन वो एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी कैंसरेटिक भी है, और पाइल शुगर की जो शिकायत होती है उनको ठीक है, कुछ खानों से जैसे रेड चिली वगैरह खा ली है आपने, कुछ और ऐसी चीजें खा ली है जिससे पाइल से शिकायत होती है, इंटेस्टाइन अल्सर या इससे रिलेटेड कुछ शिकायत होती है, बाइल्स की कुछ शिकायत होती है, तो वो भी जो है लीव हार्टी से ठीक होता है। हल्का फुल्का पाइल्स की जो शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो लोग भी जो है लीव हार्टी को जरूर यूज करें दिन में तीन बार, जिनको पाइल शुगर का इश्यू रहता है। और कोई इससे रिलेटेड किसी को कुछ है, स्तावरी भी होती है इसके अंदर, स्तावरी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कुछ आप उल्टी सीधी गर्म चीजें खाते हैं तो उसको रेजोनेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इसमें स्तावरी डाला गया है। गिलोय भी होती है, सुपर एंटीबायोटिक होता है गिलोय भी, और डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आता है, और जहाँ खाने पीने में कुछ कमियां रह गई हो वहां गिलोय आपके स्किन फूड के, स्किन से रिलेटेड, आपके हेयर से रिलेटेड जो है प्रॉपर वो कंस्टिट्यूएंट से काम करती है, जो आपके डाइट में स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई डाइट नहीं होती है, वांटेड चीजें नहीं होती, तो उसमें वो काम करती है। विटामिन सी भी देता है, ये विटामिन सी भी आपको प्रोवाइड कराता है, जो कि लीवर के सेल्स को बहुत जरूरी होता है। और कोई चीजें इसमें रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी भूल सकता हूँ बाकी चीजें, सर ये बुक में लिखा है, सब याद रहे सर जी।
बुक में ये लिखा है बेनिफिशियल फॉर एलएफटी इन लीवर, व्हाट इज एलएफटी? एलएफटी मैम लीवर फंक्शनिंग जो होती है। अच्छा लीवर फंक्शनिंग, आपके लीवर फंक्शनिंग टेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई हैं, तो वो जो है उसको प्रॉपर बैलेंस करता है, रेजोनेट करता है। दूसरा इसमें मैं आपको बताऊं, पुनर्नवा एक हर्ब है, पुनर्नवा, पुनर्नवा का मतलब ही है रेजोनेटर, दोबारा से बनाने वाला। पुनर्नवा हर्ब जो है, आपकी शरीर में किसी भी ऑर्गन की सेल्स डैमेज हो जाती है तो उस टाइम पे पुनर्नवा हर्ब दी जाती है। पुनर्नवा एंटी एजिंग भी करता है और किसी भी ऑर्गन को दोबारा से तैयार करता है, वो लीव हार्टी के अंदर दिया गया है। इसलिए लीव हार्टी पीना जरूरी रहता है कि आपको बॉडी के अंदर जो सेल डैमेज हो रही हैं, टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, पांचों टाइप की सेल में पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करती है, पांचों टाइप की सेल को रेजोनेट करती है। ब्लड सेल्स, ब्रेन सेल्स जो है आपकी, या स्किन सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, उन सब में, या बोन सेल्स हैं, उन सब में पुनर्नवा रेजोनेट करती है। पुनर्नवा इज बेसिकली रेजोनेटर, और किसी चीज को रिपेयर करने में, जैसे इसके नाम से ही है, नव निर्माण करना, तो नव निर्माण करता है पुनर्नवा, दोबारा से कुछ चीज को तैयार कर देता है, उसे काम करती है। तो लीव हार्टी आपको एक मेटाबॉलिक रेगुलेटरी टाइप जो आपको लेना चाहिए, आपको उसके रूप में लेना चाहिए। दूसरा आपको लीवर से रिलेटेड इश्यूज उसमें ले सकते हैं, आपको खट्टी डकारे आ रही है, एसिडिटी हो रखी है, लगातार यूज करने से आप इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। हिचकियां आती है किसी को, हिचकियां आने वाले लोग जो है लीव हार्टी लेंगे तो हिचको बहुत अच्छा असर आएगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा हिचको। सर जिसको गैस्ट्रिक इशू है उसमें भी लीव हार्टी वर्क करेगा सर? हाँ बिल्कुल करेगा मैडम, पर अचानक नहीं करेगा कि अभी गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक इश्यू है और अभी दे दिया तो काम करेगा, वो चीजें नहीं कहते। नेवर क्लेम द थिंग्स कि और एक्सपेक्ट द थिंग्स कि अभी लिया हमें अभी काम करने लग जाए। इट विल टेक 5 डेज, मान लो जिसको है ना, जितना सर मान लीजिए किसी को अगर गैस्ट्रिक इश्यू है सर, अगर वो 3 महीने रेगुलर लेता है तो सर उसको बेनिफिट मिलेगा ना उसकी बॉडी में, फिर एसिडिक लेवल कम होगा ना सर? 100% लिख के दे सकते हैं उसका पेपर पे, साथ में एलो प्लस दे दीजिए। अच्छा सर, जैसे आप बोले थे जिसको भी हल्के पाइल्स की शिकायत है सर, तो उसको लिव हार्टी 3 बार लेना चाहिए, तो सर बिफोर भाई खाने के या आफ्टर? बिफोर खाने के लो। अच्छा यार देखो, मेरे जैसा दुबला पतला आदमी है तो बिफोर खाने के पहले ही लेना चाहिए, और जो हट्टे पीटे खाते पीते घर के लोग हैं भाई, वो खाने के बाद जरूर ले लें। ओके सर। नहीं हमारे यहाँ खाते पीते घर के काफी लोग हैं, स्पेशली हमारे सिंधियों में सब खाते पीते करके लोग, 15-20 kg तो सबका बढ़ा ही पाता है, और खासकर जेंट्स का भी जब तक तौंद नहीं आती तो बीवी मानती नहीं कि वो खाता पीता है कुछ, ढंग से खा भी पाता नहीं, वरना दिन में 10 बार पूछ लेती खाते ही नहीं है ये, खाते ही नहीं है। वो सुबह जरूर होती है, प्रोसेस भूल जाती सुबह, और रात तक मुंह चलता ही रहेगा, पर फिर भी बेचारों को भूख नहीं लगती है। आलोक जी डोंट टेक पर्सनल, कोई मत लेना इस चीज को, ये कॉमन मजाक की बातें हमारे यहाँ बनियों में कहा जाता है। भैया वो बनियों वाले एक आपने वो सुना है ना चुटकुला जोक, सुना है उन्हें? एक बार हमारे एक बनिया था, उधर बनिया जो है परचून की दुकान चलाता था कल्ले की, और उसका डॉक्टर से रोज एक शिकायत होती थी, और पीछे मुझे तो भूख ही नहीं लगती, क्या करूँ भूख लगती नहीं। तो डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने पूछा, बोला तो लाला जी बताइए भूख क्यों नहीं लगती है, क्या क्या खाते हैं? बोला क्या बताऊं, कुछ नहीं खाता, सुबह उठता हूँ तो उठते ही थोड़े वो बादाम खा लेता हूँ भिगोए 5, वो इसकी मम्मी जो है ना दूध ले आती है एक कप भर के, वो पी लेता हूँ। बोला अच्छा, बोला फिर नाश्ता में कर ही नहीं पाता। बोला क्यों? बोला उसके आधे घंटे बाद मैं चाय पीता हूँ और 5-6 बिस्किट खा लेता हूँ, खाली चाय तो पी नहीं जाती है। बोला जी बहुत सही है। बोला 10 बजे के आसपास है ना वो दुकान खोली, तो 2-3 घंटे से बैठे बैठे सामने कचौरी बड़ी बड़ी आती है, एक कचौरी खा लेता हूँ बस थोड़ा सा। बोला जी फिर? बोला फिर वो 1 बजे केले वाला आ जाता है वहां से, वो नमकीन केला खा लेता है एक आध, पर भूख लगती नहीं है। बोला जी और? बोला दोपहर को जब लंच आता है तो 2 ही चपाती खा पाता हूँ बस, 1 बड़ा गिलास भर के छाछ पी लेता हूँ, थोड़ी सी दाल का पानी पी लिया और तो भूख लगती नहीं। बोला जी और? बोला 4 बजे ये ना वो चाय आ जाती तो उसके साथ बढ़िया सी 2-4 मट्ठी आ जाती घर से, वो खा लेता हूँ, 1 कप चाय पी लेता हूँ। बोला जी लाला जी और?
बोला 7 बजे ही वो बेटा आता है, वो शिकंजी पी लेता है, जूस पीता है, तो बोला 2 गिलास शिकंजी पी लेता हूँ नींबू की। बोला जी फिर, बोला शाम को घर जाता हूँ भूख लगती नहीं है, थोड़े से चावल एक रोटी और थोड़ी सी दाल का सूप पी लेता हूँ, बोला पूरे दिन भूख ही नहीं होती है। भाई अब ये बताओ, इतना यही हमारे सिंधियों में खारी तो से शुरू होता मामला और रात तक वो मुंह चलता रहता है, फिर कहके भूख लगती नहीं है और पेट तोंद ऐसी हो जाती है 50 किलो, फिर कहते बोला जी पेट कम कैसे हो। भाई पेट कम करने के लिए सिस्टम होता है, एक मेटाबॉलिक सिस्टम, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब उस बनिए तरह भूख आप लोगों को लगती नहीं है और मुंह रुकता नहीं है, आलोक भाई गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो डॉक्टर बोलता है उसको बनिया को, बोला भाई अब कसर इतनी रह गई है, बोला कुछ मेरे को खा रहे या किसी पड़ोसी को खा रहे, बोला तेरे बाद भूख लगने वाली है, तभी गुजरा हो सकता है। तो ये जो है ना भूख ना लगना, पेट बढ़ना, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे बनिए की तरह भूख लगती नहीं है, सुबह चालू होती है खारी तोस और चाय से सुबह होती है, और रात आइसक्रीम और है ना कुछ गुलाब जामुन या आमरस के साथ रात होती है। अब पेट कैसे कम, एक्सिस क्रीम खा लो, चाहे स्टे फिट पी लो, चाहे मैंगो स्टीन पी लो, कुछ नहीं हो सकता। कॉन्स्टिपेशन कभी ठीक नहीं हो सकता, अगर हर घंटे में कुछ कुछ खाने को मुंह चलाने को चाहिए तो। अब लड़कियों को शिकायत रहती है लोअर एब्डोमन का वेट लॉस नहीं होता, थाइज और हिप्स का वेट लॉस नहीं होता, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो लड़कियों में हार्मोन अनबैलेंस होना, और ये जो कोल्ड चीजें है ना जो शौक पड़े हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, आमरस, जीभ जो चलती रहती है, वो सबसे बड़ी शिकायत है हर लड़की। और ये जो 40 ईयर से नीचे की जो लड़कियां हैं ना, इन्हें सबसे बड़ी बीमारी यही है। और जेंट्स में जो ये पेट आने शिकायत ना, ये ज्यादा जेंट्स नहीं, 50 ईयर से वो वालों नहीं है, ये आज जो शिकायत है ये 25 साल से 40 साल के लड़कों से ज्यादा है। और उसका कारण लेडीज का जेंट्स को 24 घंटे कहते ना आप कुछ खाते नहीं है, और वो जेंट्स जो 24 घंटे मुंह चलाते हैं उल्टा सीधा खाते रहते हैं, वो है उसका कारण, और कोई कारण नहीं है आपका लाइफस्टाइल एंड योर ईटिंग हैबिट्स। और इनसे बचना है तो लीव हार्टी दिन में 3 बार लेना शुरू कर दो, आपको काफी राहत मिल जाएगी। त्रिफला खाना शुरू कर दो, काफी राहत मिल जाएगी। लीव हार्टी त्रिफला अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो आपका वेट मैनेज वैसे ही होने लग जाएगा और आपकी ईटिंग हैबिट सुधार लीजिए थोड़ा सा। अलग भाई गलत तो नहीं का, इसको बुरा लगे तो लगे, मेरे से फर्क नहीं पड़ा, पर ये सच्चा है, ये कर भी सकता है, ये वरना ये खाते पीते घर के नहीं है, ये बीमारियों के घर के लोग है। खाते पीते घर के लोग मेंटेन्ड है, वो मेंटेन्ड रहते हैं। आलोक भाई हम भूखे करते करके कि आलोक भाई की इतनी एज हो गई है, मेरे 10 साल बड़े और 1 इंच भी पेट नहीं है, इसलिए ये नहीं कि आलोक भाई खाते पीते नहीं है, और बहुत अच्छा कमाते हैं और वेल मेंटेन्ड है। कोई कह सकता है कि भाई साहब ने अभी 57वां जन्मदिन मना लिया है, 57 साल में तो लोग ऐसे हो गए बूढ़े टाइप, 55 साल के वो 65 साल के या 70 साल के लगते हैं। लोग आप करेंगे तो आजकल जो ये खाते पीते घर के लोग हैं, ये डॉक्टरों के घर के लोग हैं, मानते हैं हम खाते पीते जो डॉक्टर हैं उनके घर के लोग हैं, और जो दुबले पतले आदमी ठीक है वो गरीब आदमी है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते और डॉक्टर के पास खर्च कम करते। सो माइग्रेन केयर और लीव हार्टी से रिलेटेड हो गया, अभी किसी को बीवी से रिलेटेड और पीवी से रिलेटेड हो तो बता दो। मैंने यही पूछे पीवी। हाँ जी प्रेरणा जी, आप जो है मीटिंग का जो ना रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हैं, क्योंकि फालतू जी आई वरना आपको क्रॉप करने में मेरी दिक्कत आएगी, काफी देखो टाइम को कीमत समझने वाले लोग लीव करके मीटिंग को, हमारे यहाँ टाइम की काफी महत्व है। अब हम जो लोग रह गए हैं, हम सब वो फालतू लोग रह गए हैं जिनके कुछ सपने हैं। सर वो जो नैना का केस था कोई कि वो उनको मेनोपॉज शुरू हुआ और उनका माइग्रेन एक्टिवेट हो गया ज्यादा। बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड इंबैलेंस हो गया ना मैम। हाँ, बात हुई थी मैडम से, मैंने उनको बोला रमणी कल्प दे दी। हाँ, मैंने देखो रमणी कल्प जो है ना, ये सभी लेडीज को बताता हूँ आपको, जितने लोग आप काम करें एज ए लीडर टाइप, रमणी कल्प मेनोपॉज के बाद भी 2-3 साल तक देनी चाहिए। अगर किसी मेनोपॉज को 2-3 साल भी हो गए हैं तो भी आपको रमणी कल्प देनी चाहिए, बिकॉज रमणी कल्प आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करती है। और रमणी कल्प मेनोपॉज होने के 2-3 साल बाद क्यों दे रहे हैं, और वेट जो पोस्ट मेनोपॉज इफेक्ट्स होते हैं
वो हार्मोन अनबैलेंस हो रहा है, उसी कारण थायराइड होता है, वेट पुट ऑन होता है और बीपी होता है और माइग्रेन भी उन्हीं का पार्ट है। तो उस टाइम पे रमनिकल जरूर देनी चाहिए 2 महीने के लिए। जिन लेडीज को प्री मेनोपॉज स्टेज चल रही है या जिनको मेनोपॉज हो भी गया है तो उनको रमनिकल जरूर लेनी चाहिए। अगर आपको थायराइड से बचना है, आपको वेट पुट ऑन होने से बचना है या फिर आपको यूट्रस रिमूवल से बचना है मेनोपॉज के बाद, अर्ली मेनोपॉज हो गया उनको रमनिकल देनी चाहिए। नहीं हमें तो यूट्रस रिमूव हो गया है, यूट्रस रिमूव होने के बाद भी आपको रमनिकल दे देना चाहिए 3-4 महीने। यूट्रस रिमूव होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव हो गई है। पिट्यूटरी ग्लैंड तो है ना, वो है तो उसके अंदर हार्मोन तो है ना, जेनेटिक हार्मोन को कंट्रोलिंग तो करना है, अनबैलेंसिंग हो रहा है ना। यूट्रस रिमूव हो गया, ओवरीज तो रिमूव नहीं हुई ना, और ओवरीज भी रिमूव हो गई है तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव नहीं हुई है। सबसे खतरनाक इसलिए हो जाता है यूट्रस रिमूव करना लेडीज का कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिमूव नहीं हुई है और आपको जो है यूट्रस रिमूव कर दिया गया है, जेनेटिक हार्मोन को खाने जाएंगे आप तो आपके बाकी हार्मोन साइड इफेक्ट करेगा ना वो, फिर थायराइड हार्मोन आपका थायरॉक्सिन जो है वो अनबैलेंस होगा, आपका TSH और T4 T3 वगैरह सब अनबैलेंस हो जाएंगे, आपके न्यूरॉन्स जो अनबैलेंस हो जाएंगे, आपके और जेनेटिक हार्मोन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी, स्किन आपके हार्मोन अनबैलेंस होंगे, हेयर हार्मोन आपके अनबैलेंस होंगे और वो सब अनबैलेंस होंगे तो डोपामाइन वगैरह भी आपके अनबैलेंस हो जाएंगे। और जब ये सब अनबैलेंस होते हैं तो समझ लो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। कोई लेडी साइकिक हो सकती है, अगर आपको हाइपरटेंशन और साइकिक लेडीज के बारे में बताऊं, सबसे बड़ा कारण होता है उनका जेनेटिक हार्मोन का अनबैलेंस होना और ये जो फालतू की वाहियात जो ये गायनेकोलॉजिस्ट बैठी है ना वो उस टाइम को दवाइयां देती है ना और जो बताती नहीं लेडीज किसी को, वो सबसे बड़ा खतरनाक खेल होता है लेडीज को साइको बनाने का। और उसके बाद फिर दूसरा वो क्या करते हैं, अपनी दोस्तों की दुकान चलाने के लिए वो काउंसलिंग कराना शुरू कर देती। उसका रीजन है पिट्यूटरी ग्लैंड का अनबैलेंस हो जाना और हार्मोन जनरेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से अनबैलेंस हो जाना लेडीज को साइको बना देता है। और जो ये अर्ली एज में जो रिट्रस रूल है ना, इनमें 90% चांसेस होते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट बनना या फिर लेडीज का साइको होना। ये चिक 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 जो घरों में चलती है ना ज्यादा, या जो लेडीज अपने आप को लड़ाका ये वो डॉन बन जाती है ना घर में, उस सबसे बड़ा कारण होता है उनके हार्मोन्स का अनबैलेंस होना। जो लेडीज 24 घंटे कलेश रखती ना उन लेडीज का सबसे पहले हार्मोन बैलेंस करवाना चाहिए, या मेनोपॉज हो गया तो भी उसका रमनिकल फटा दो 2 महीना, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करो थोड़ा सा, उसको माइग्रेन केयर लगा दो, शांत रहने लग जाएगी। लोगो बैक पेन और जो पेल्विक एरिया पेन है उसके लिए भी ना लोअर बैक पेन, जैसे भी मैं जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठती हूँ ना 1 घंटा भी तो मुझे लोअर बैक पेन और सबसे लोएस्ट पेल्विक एरिया में बहुत पेन होता है। मैम उम्र का भी तो फर्क होता है, सीनियर सिटीजन हो गए हो आपका हार्मोन का कारण भी है, आपकी कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है। अच्छा ऐसा, मल्टीविटामिन वगैरह विमनो प्लस वगैरह पीते रहो आपके लिए सबसे बेस्ट है, रिवार्टी लो मोरिंगा वोरिंगा चेंज कर करके सारी चीज खाते रहो, आपको बैलेंस डाइट चाहिए अभी सुपर में। आप वैसे इतने एनर्जेटिक बैठती क्यों है, पहली बात तो ये आती है आप कितना सीटिंग का काम कितना करती है, आप बैटरी वाले की दौड़ती है, आप कार लेके दौड़ती है, आप रुकती तो है ही नहीं। जो नहीं 18 घंटे काम करेगी तो उसका दर्द होने चाहिए, जरूरी है, एक उम्र होती है रिटायरमेंट की, यू आर ए रिटायर्ड लेडी, इसको रिटायर होना चाहिए। सीनियर सिटीजन का पता क्या करना चाहिए, नहीं नहीं एक्सिको का छोड़ने का जरूरत नहीं, आप तो आपके इतने लीडर्स आ चुके हैं, आप छोड़ देते फर्क नहीं पड़ा, आप तो नोट फिर भी करोगे। मनुष्मिता मैडम है, शिवा मैडम है, इतने सारे लोग आपके, नैना मंगलानी है, कितने सारे लोग आपके पीछे, क्यों अब तो आपने 20 बो दिए, अब तो आप फसल काट रही, अब तो मैडम मजे लेने के लिए बात कर रही हो छोड़ने की, आपने अपना और खुशी दोनों का फ्यूचर स्कोर कर रखा है। आने वाले 1-1.5 साल बाद 1-2 लाख की तो आप दोनों मियां मां बेटी है ही, आपको तो बल्कि साल में 3 महीने हिमालय में जाना चाहिए या अमरकंटक वगैरह किसी नदी किनारे, बढ़िया मेडिटेशन, बढ़िया जॉगिंग वॉगिंग करनी चाहिए, मजे लेने चाहिए आपको लाइफ के। अरे ये सब लोगों पे लागू, आलोक भाई पे लागू होता है, आलोक भाई आप प्री रिटायरमेंट स्टेज 1-2 साल बाद आपको काम कुम नहीं करना चाहिए, ये जवान रहने से कुछ नहीं होता, दिमागी तौर पे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है।
मैं तो मैडम 3-4 साल में बोरिया बिस्तरा बांध के हिमालय में जाने वाला हूँ, बहुत हो गया यहाँ। आगे 45 साल के बाद काम करना बंद करना चाहिए, 45 साल की उम्र के बाद कोई जरूरत नहीं है फालतू चक्कर में पड़ने की, इतना ही करो जितना चाहिए। जो 45 साल के 50 साल के नहीं, उन लोगों के लिए अभी 4-5 साल काम करें, अच्छे से अचीव काम करो, क्राउन एम्बेसडर वगैरह बन जाओ, रिटायर्ड लाइफ जियो अच्छे से। 3 ID क्राउन एम्बेसडर बना दो, गारंटी देता हूँ मरते वक्त तो पैसों टेंशन है, और ना औलाद को टेंशन, औलाद चीं चाक करे कुछ जॉब करे ना करे, उनके बच्चों का आराम से पाल दोगे, फालतू भड़कने की जरूरत नहीं है। जी मनुष्मिता मैडम बोलिए। सर मेरे एक फ्रेंड है, उनको थायराइड है, आप थोड़ा बात करेंगे उनके साथ, वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आपका आज। हाँ मुझे पता है, आप पिछले आधे घंटे से इम्नोट्रो पर किताब लेके समझा रही, मुझे दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा बात कर, मुझे पता है आपके सामने ही बैठे हुए हैं। हाँ सर मेरे पास। हाँ बात थोड़ा क्या, पूरा बात करेंगे आप ले आइए। हाँ मुझे मालूम मैडम, आप इम्नोट्रो समझा रही थी। जी मैडम नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। और सर मुझे प्रॉब्लम है और 10-15 साल से ना, 10-15 साल, हाँ 10 ईयर्स मतलब हो गया है, तो मैं अभी 75 HC का टैबलेट लेती हूँ, तो उसके लिए क्या मुझे मतलब डाइट क्या है, कैसे मतलब ये सब के लिए, ये सब के बारे में थोड़ा बताइए, डाइट क्या लेना है क्या नहीं, और ये क्या है थायराइड क्या है। मैम डाइट बाद में बताएं, नहीं डाइट बाद में, थायराइड कुछ नहीं, थायराइड ग्लैंड्स का पीएच लेवल अनबैलेंस हो जाना, बॉडी में एसिडोसिस होता है जिनकी एसिडिक तासीर होती है, एसिडिटी एक अलग चीज है, एसिडिक तासीर एक अलग चीज है, जिनकी एसिडिक तासीर होती है लोगों की, उनमें थायराइड ये डिसऑर्डर, ये बीमारी नहीं है। पहली बात तो दिमाग में ये डाल लीजिए, ये बीमारी नहीं है। दूसरा जो ये एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि थायराइड जो है लाइलाज है, लाइलाज नहीं है ये बीमारी, ये डिसऑर्डर है, डायबिटीज थायराइड इंक्लूडिंग कैंसर ये सब जो है डिसऑर्डर्स हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिजीज। डिजीज होती है तपेदिक हो गया, बुखार हो गया, फ्लू हो गया, कोई प्लेग आ गया, और कुछ वो बीमारी होती है, बाकी सब डिसऑर्डर्स होते हैं। और डिसऑर्डर का मतलब ही होता है उसको रिपोर्ट करके ऑर्डर में लाया जा सकता है। आपको जो थायराइड है मैडम, मैं आपको बता देता हूँ, आपका चेहरा देख के ही, आपकी जो फेस देख के आपको जो मेन चीज है वो है आपकी बॉडी एसिडिक है। दूसरा हार्मोन अनबैलेंस होने की वजह से आपको ये थायराइड अब से नहीं है, आप जब प्यूबिक हुए, जब आप एडल्ट्रेशन में आए प्यूबिक हुए, तो उस टाइम से लड़कियों में थायराइड ग्लैंड एसिडिक होने से हो जाती है, हार्मोन अनबैलेंस होता है। जिन लड़कियों को साइकिल्स प्रॉपर नहीं होते हैं, एस्ट्रोजन का ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, उन लड़कियों में थायराइड का इश्यू आना शुरू होता है। उनको पता चलता है या तो प्रेगनेंसी टाइम जब TSH बढ़ जाता है, या जो है आपका T4 वगैरह बढ़ जाता है, वो प्रेगनेंसी टाइम होता है 3-4 मंथ के बाद, या फिर कई लेडीज को डिलीवरी के बाद होता है, क्योंकि उस टाइम पे जब बच्चा पनप होता है तो जिस फ्लूड में, वॉम में जो बच्चा पलता है, वो फ्लूड जो है वो फ्लूड अल्कलाइन चाहिए होता है, और आपका लीवर आपके जो ऑर्गन्स हैं लाइक बोन्स हैं या ग्लैंड्स जो होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, आपकी बाकी और जो ग्लैंड्स होती हैं, पैंक्रियास हैं, इन सब से एल्कलिनिटी लेकर वॉम में डालता है। थायराइड ग्लैंड भी उसका एक हिस्सा होती है। कईयों को डायबिटीज आ जाती है और कईयों को जो है थायराइड आ जाता है। तीसरा जो किस्सा बनता है, देरी भी हो जाती है, लेडी लैक्टिक होती है, तो उसकी जो डाइट होती है वो एल्पाइन नहीं होती, खास करके आजकल जो आर ओ डिब्बे लगे हुए हैं, डब्बे ये बहुत देखा लोगों के, वो डब्बे में तो लगे हैं बट लोगों की अवेयरनेस नहीं है कि उसका जो है TDS कितना होना चाहिए। हम प्रॉपर TDS मेंटेन नहीं कर तैयार होगा, 150 से 300 का TDS मेंटेन होना चाहिए ताकि डिमिनरलाइज्ड वाटर ना पिए। थायराइड होने का सबसे बड़ा कारण डिमिनरलाइज्ड वाटर पीना भी है, कि आपके जो आर ओ है उसका 150 से नीचे TDS आप वो लगातार पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं, आप जो है चाय ज्यादा पी रहे हैं, व्हाइट शुगर का ज्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर आप घर के अंदर स्पाइसी चीजें ज्यादा खा रहे हैं, ये सब कारण भी थायराइड का होता है। नहीं अकेले थायराइड का बल्कि ऑब्वियस होने का, वेट पुट ऑन होने का, बाल झड़ने का, आईसाइट वीक होने का, ये सब रीजंस हैं जो एक लेडी में सबसे बड़ा काम करते हैं, खासकर जो हार्मोन अनबैलेंसिंग है,
उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है। तो मैडम ये कोई आपका लाइलाज बीमारी नहीं है, सैंटीफाई जो आप खा रही है, थायरॉक्सिन या थायरामाइन आप खा रही होंगे, तो कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दिमाग से निकालें वो थायराइड, थायराइड एक लाइलाज बीमारी नहीं। पहली बार आप अपने हार्मोन्स पे काम कीजिए, साथ में घर में अगर आप आपका पानी पीजिए, तो मैं ये नहीं कहूँगा आप एक काम कीजिए, सबमर्सिबल पानी तो 150 से 300 TDS चेक कराइए, 150-200 रुपए का TDS मीटर आता है, घर में रखिए परमानेंट। आप गृहिणी हैं तो हर हफ्ते अपने RO का पानी चेक कीजिए जो आए, उसका TDS कम ना हो। मैम कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल पीना बंद करिए, आर्टिड वाटर कोई भी है, ये प्रोसेस जो जूस आते ना रीट्रॉपिकन वाला, ये यूज नहीं करना है। आप मैडम के पास बैठे हैं तो शायद कैंटीन में फ्रूटी व्रूटी बहुत आती है, ये चीजें हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं। इससे कार्बन टू वाटर होता है, शुगर ज्यादा होती है, वो थायराइड पेशेंट्स या जो भी डायबिटिक पेशेंट उनके लिए बहुत खतरनाक है, वेट पुट ऑन हो रहा है तो उनके लिए खतरनाक है। जो लेडीज 35 एंड अबव पे जा रही है, हार्मोन अनबैलेंस है, उनके लिए जहर है, बढ़ते बच्चों के लिए जहर है। इन चीजों बंद कीजिए, आप घर में गुड़ यूज कीजिए, शक्कर यूज, देसी खांड आती है बड़ौदा में, अपने हाथी खाना में बहुत मिलती है, चाय वगैरह लिया देसी खांड यूज कीजिए। आपके लिए ड्रिंक्स बनाना है, कोई भी आपको मीठी चीजें बनानी है, मिठाई बनानी है, आप देसी खांड की यूज कीजिए, गुड़ भी नहीं है वो खांड है, और उसपे आप दूध की चाय बहुत अच्छे से बनती है, फटती नहीं, देसी खांड यूज कीजिए। दूसरा खासकर आप अपने लिए देसी खांड यूज कीजिए, कोई टेंशन नहीं, आप कितनी खाइए डायबिटीज नहीं होगी कभी किसी को, डायबिटिक पेशेंट भी डायबिटिक देसी खांड को खा सकता है। तीसरी बात, आप मिनरल लेवल बढ़ाइए अपनी बॉडी का, अभी आम का सीजन आ रहा है, बिना मसाले वाले आम खाइए, आप पाइनएप्पल का जूस लीजिए घर में बना के, पाइनएप्पल नॉर्मल पाइनएप्पल खाइए, वो आपके लिए थायराइड बहुत अच्छा है, विटामिन सी की चीजें आप खाइए। फिर जो हार्मोन बैलेंस सबसे मेन आपका करना, हार्मोन बैलेंस करिए, ये थायराइड की मेडिसिन 3 महीने जिंदगी भर के लिए बाहर हो जाएगी, एलोपैथी का जहर आपका 3 महीने में खत्म हो, बंद हो सकता है, बट आपको एलोपैथी पे ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ भी ना हो तो आप एक काम करिए, आपके मटके में जो ना एक चने के दाने जितना जो है चूना, पान वाला जो चूना होता है, जो लोग खैनी में मिला खाते हैं ना, वो चूना ले आइए, 1 रुपए का आता है, चने के दाने जितना, आप सब लोगों को बता रहा हूँ, ये हर आदमी काम आता है, चने के दाने जितना चूना लीजिए, उसके बढ़िया साफ छोटे से कपड़े में छान दीजिए और उसको आपके पानी के मटके तरफ, आपके लिए बहुत बड़ा काम है। आपके घर में डायबिटीज के पेशेंट है, ऑर्थराइटिस के पेशेंट है, आपके घर में बाल झड़ने के पेशेंट है, आंखों में चश्मे के पेशेंट है, वो पानी पीजिए हर आदमी, वो आपको आधी बीमारियों से बचा दे। मनस्विता मैडम आप इनको रमणीकल्प दे सकती हैं, साथ में आप इनको थायराइडियल दीजिए, रमणीकल्प के साथ आजकल नॉनी प्लस फ्री आ रहा है, और नॉनी जो इम्यूनो ड्रॉप दिखाते हो मैडम को जरूर दिखा दिए, मैम नाभी में एक ड्रॉप इम्यूनो ड्रॉप डाल के सोइए आप डेली, आपको 500 फायदे हो जाएंगे, और 4-5 ड्रॉप अगर डेली आप लोग इंटेक करते हैं एज ए कपल। क्या मैम कुछ कह रहे थे आप, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं सर इतना ही पूछना था आपको, तो आप बता दीजिए आपके